Good morning to everyone and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं. This is a new day. और ये एक नया दिन है. And each day his mercies are new. और याद रखिए हर दिन उसकी करुणा नई है. What a wonderful God we have. और कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा है. So it is all the more the reason why we need to spend even if it is a few minutes silently in his presence and listen to his voice. और इसलिए ये और कई ज्यादा बड़ा कारण है कि हमें उसकी उपस्थिति और उसके वचन की और वाणी की बात को सुनना है. Remember, we are meditating on John's Gospel chapter 13. और अगर आपको याद और यदि आपको याद होगा, हम मनन कर रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 34वां और 35वें वचन पर. So in our last meditation on Tuesday, we concluded it by asking this question: Are you his disciple? और हमारे पिछले मनन में जो कि मंगलवार को था, ये सवाल पूछकर हमने अपने मनन के समय को समाप्त किया था कि क्या आप एक चेले हैं? How do one judges that so and so is a disciple of Christ or I am a disciple of Christ? कि कैसे किसी एक को पता चलेगा कि कोई दूसरा प्रभु यीशु मसीह का चेला है या मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ? There are three measurement of a disciple. और याद रखिए एक चेले के तीन मापदंड हैं. And check yourself and see if these three are there. और आप खुद को जांचें और परखें और देखें कि क्या ये तीनों बातें आपके भीतर पाई जाती हैं. Number one. पहली बात. According to the gospel, according to Saint John chapter 8 verse 31. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 31वें वचन में. Jesus said, यीशु ने कहा, If you abide in my word, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, then you are truly my disciples, तब तुम सच में मेरे चेले चेले कहलाओगे, and you shall know the truth, and the truth will set you free. और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा. So here is the first measurement. तो यहाँ पर हम उस चेला होने के पहले मापदंड को देखते हैं. If you abide in God's word, क्या आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं? Abiding means, और बने रहने का मतलब है, living your practical daily life according to God's word. आप अपने प्रतिदिन के जीवन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवते वचन के अनुसार जी रहे हैं. That's how you will be free. और इसी अनुसार आप आजाद होंगे. Number two, दूसरा, the second measurement, दूसरा मापदंड. It is in this chapter itself, chapter 13. और 13वें ही अध्याय में ये बात पाई जाती है. Look at verse 35 that is under consideration. 35वें वचन की ओर देखें. By this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो. Now, when Jesus says that you love each other, और जब यीशु कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, With what kind of love? There are several kinds of love you will see in this world. तो किस प्रकार के प्रेम से, क्योंकि कई प्रकार अनेक प्रकार के प्यार या प्रेम हमें संसार में दिखते हैं. Human love usually is very selfish. और याद रखिए मानवीय प्रेम जो है स्वार्थी होता है. But the love that Jesus is talking about, you will find in 1 Corinthians chapter 13. लेकिन जिस प्रेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है, वो पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में पाया जाता है. And when you love each other with that love, और जब आप एक दूसरे से वैसा प्रेम रखते हैं, that is what will distinguish you. But you are as a disciple of Jesus Christ. तो वो बात आपको दूसरों से अलग करेगी और इस बात को दर्शाएगी कि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं. So that is the second measurement. और इसलिए ये दूसरा मापदंड है. Love. Make all the efforts that you know that you can to exercise this genuine love that comes from God. और इसलिए हर एक प्रकार का प्रयत्न करें ताकि ये सच्चा प्रेम आपके जीवनों से दिखने पाए. The third measurement is, तीसरा मापदंड ये है, measurement of discipleship. और तीसरा मापदंड चेलापन का. We will find this in chapter 15 of the Gospel according to Saint. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं. 15 verse 8. और 15वां अध्याय और 8वां वचन. फ्रूट बेयरिंग, फल लाना.
This is to my Father's glory that you bear much fruit. और ये तो मेरे पिता की महिमा के लिए है कि तुम कहीं ज्यादा फल लाओ. Showing yourself to be my disciples. और ये दिखा पाओ कि तुम मेरे चेले हो. There is a passage in Galatians chapter 5. और गलातियों की पत्री उसके पांचवें अध्याय में एक ऐसा वचन है. Verse 23. और 23वां वचन. That verse gives you a description of the fruit that the Holy Spirit alone can bring forth through you. और गलातियों का पांचवां अध्याय उसका 23वें वचन में आप देखते हैं उन फल को जो पवित्र आत्मा आपके भीतर लाती है. If you bring forth fruit. अगर आप फल लेकर के आते हैं. Because remember what Jesus is teaching. He says, I am the vine and you are the branches. क्योंकि याद रखिए क्या बात प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है कि वो सच्ची दाखलता है और आप और हम सब डालियां हैं. His followers are the branches. और उसके अनुयायी वो डालियां हैं. And branches of any tree have only one purpose. और याद रखिए किसी भी वृक्ष की डालियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है. What is that purpose? और वो क्या उद्देश्य है? Fruit bearing. वो है फल लाना. There is no other job. और कोई कार्य नहीं है. And whatever is needed to bring forth the fruit is provided by the vine itself. और फल लाने के लिए जिस भी पोषण और तत्वों की जरूरत है वो वो वृक्ष या वो दाखलता खुद देती है. Whatever is needed for a Christian to bring forth the fruit that God desires. और हर एक वो बात जिसे एक विश्व जिसकी जरूरत एक विश्वासी को है कि वो परमेश्वर के लिए फल लाए. God has provided. परमेश्वर ने हर एक वो बात दी है. Our job is to bring forth fruit. और हमारा कार्य इसलिए ये है कि हम फल लाएं. Now what is this fruit? और ये फल क्या है? If you consider the characteristics of the fruit described in Galatians chapter 5 verse 23. और अगर आप देखेंगे कि उस फल के गुण जो गलातियों की पत्री उसका पांचवा अध्याय 23वें वचन में है. You can easily distinguish and recognize what this fruit is. तब बड़ी आसानी के साथ आप अंतर को ढूंढ सकते हैं कि ये फल है क्या. It is the character of Jesus. ये है प्रभु यीशु मसीह का चरित्र. And this is the fruit God the Father is looking for. From each one of his children. और यही वो फल है जो पिता परमेश्वर अपने हर एक बच्चे से चाहता है. God, the merciful one, grants that we Christians who claim that we love God. और परमेश्वर पिता ये चाहता है कि हम मसीह जो इस बात का दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं. We who have been redeemed by his precious blood. हम जो उसके पवित्र लहू के द्वारा बचा लिए गए हैं. May Wear the badge of discipleship. हम उसके चेले होने के उस उपाधि को लेकर के चलें. Which is genuine love. और जो है सच्चा प्रेम. Love for one another. एक दूसरे के प्रति. The measure of our love for each other is His love for us. और हमारे प्रेम एक दूसरे के प्रति उसका मापदंड ये है और वो मापदंड है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए. How Jesus loved us. कैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया. God the Father loved us. परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया. That he released from heaven his begotten son. कि उसने स्वर्ग से अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया. And the begotten son came down. और वो इकलौता पुत्र नीचे उतर आया. How much did he love? और कितना उसने प्रेम किया. He gave himself. उसने खुद को दे दिया. Now such love rules out all bitterness. और ऐसा प्रेम हर एक प्रकार की करवाहट को दूर कर देता है. All jealousies. हर प्रकार की जलन. All envy. हर प्रकार की शत्रुता. Among God's people, they are ruled out. परमेश्वर के लोगों के बीच से ऐसी हर एक बुरी बात बाहर निकल जाती है. That kind of love rules out all bitterness. और इस प्रकार के प्रेम से हर एक प्रकार का दोष दूर हो जाता है. And shallowness. और हर प्रकार का खोखलापन दूर हो जाता है. And then the question is how much
are we to love? अब सवाल ये उठता है कि कितना हमें प्रेम करना है? The answer is as Christ loved us. आज इसका उत्तर ये है जितना यीशु ने हमसे प्यार किया. Then the question is how did Christ love us? And how much? और तब सवाल ये उठता है कि यीशु ने हमसे कितना प्यार किया और कैसे प्यार किया? Read Ephesians chapter 5 verses 25 to 28. और इफिसियों की पत्री उसका पांचवा अध्याय 25वें वचन से लेकर के 28वें वचन तक आप पढ़ें. I encourage you to read in your room before you sleep tonight. और आज की रात मैं सबको अनुरोध करता हूं कि आज की दिन आप सोने से पहले इस वचन को जरूर पढ़ें. A description of Christ's love for the church. और यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का एक वर्णन जो कलीसिया के प्रति है. The church is not only his body, but the church is described as the bride of Christ. और कलीसिया ना केवल उसकी देह है, लेकिन यहां पर कलीसिया को उसकी दुल्हन कह करके बुलाया गया है. How did he love? और कैसे उसने प्रेम किया? His love was selfless. उसका प्रेम स्वार्थहीन, निस्वार्थ था. Unconditional. और बिना किसी शर्त के था. Sacrificial. और बलिदान का प्रेम. And sanctifying. और शुद्ध करने वाला प्रेम. And at the end it is satisfying. और तृप्त करने वाला प्रेम. That you must check. You know, you will not find this kind of love in the world. और अब इस प्रकार के प्रेम को संसार में नहीं पाएंगे. And what a beautiful description it is. और कितना अद्भुत और सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है. When Jesus comes for his bride. और जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन के लिए आएगा. What kind of a bride he is coming. और किस प्रकार की दुल्हन के लिए वो वापस आ रहा है? Spotless. और बिना किसी दाग के. Wrinkleless. बिना किसी झुर्री के. No blemish. और बिना किसी धब्बे के. And blameless. और बिना किसी दोष के. And my friends, my brothers and sisters and young children, take this very seriously. और मेरे भाइयों और बहनों, जवानों, बच्चों, इस बात को आप बड़ी गंभीरता से लें. Because we cannot bribe God to get there. क्योंकि आप याद रखिए, हम परमेश्वर को घूस नहीं दे सकते कि वहां पहुंच जाएं. Neither will he lower his standard to accommodate anybody. और ना ही वो अपने माप स्तर को नीचे गिराएगा ताकि वो किसी को स्वर्ग में ले ले. No recommendations are accepted there. और किसी की सिफारिश वहां काम नहीं आएगी. Because we have to live with him eternally. क्योंकि हमें तो अनंत काल के लिए उसके संग रहना है. We have to be rulers with him. हम तो उसके संग राज्य करेंगे. So what kind of a princess and princesses for whom he is coming? तो किस प्रकार के राजकुमार और राजकुमारियों के लिए वो आ रहा है? All that I have mentioned in this. और इन सारी बातों को मैंने इस वचन में बताया है. Must be seen. वो सारे गुण आपके भीतर दिखने चाहिए. The Holy Spirit is preparing the bride of Christ, the church, which is you and I. और इसी रीति से वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की कलीसिया को तैयार कर रही है, जो कि आप और मैं हैं. And remember what we are meant to be. और याद रखिए, हमें क्या होने के लिए बुलाया गया है. We are meant to be rulers and judges. हमें बुलाया गया है राजा और अधिकारी और न्याय करने वालों के रूप में. With Christ we will reign forever and ever. और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अनंत काल के लिए राज्य करेंगे. And my friends, Christ is at the door. और मेरे मित्रों, परमेश्वर तो दरवाजे पर खड़ा है. The rapture is about to take place. और कलीसिया का उठाया जाना बहुत निकट है. There is no more time to waste and no more time to think, well, I will start it tomorrow. अब और समय नहीं बचा कि कल मैं कहा क्या करूंगा, क्या कैसे बचूंगा. He is at the door. वो तो दरवाजे पर खड़ा है. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Answer that question. इस सवाल का उत्तर खुद को दें. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. As you seriously take these instructions and consider. जैसे कि आप गंभीरता के साथ इन निर्देशों को लेते हैं और अपने जीवनों में लागू करते हैं. Heavenly Father. स्वर्गीय पिता. We thank you that you have given us everything that is needed that we may live holy and godly life. हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हर एक उस बात को हमारे लिए मुहैया कराया है जिसकी आवश्यकता हमें एक पवित्र और शुद्ध जीवन जीने के लिए है. There is no excuse. अब कोई बहाना हमारे पास नहीं है. And I thank you that you are always available to us. और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे लिए हमेशा उपलब्ध हैं. May we be so full of the Holy Spirit. होने दे हम तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं. And live your life और by the power of the Holy Spirit. और तेरे जीवन को हम पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जीने पाएं. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen.
आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इट्स अ वंडरफुल डे। और एक अद्भुत दिन है। एंजॉय दिस डे। इस दिन का आनंद आप लें। एंड सर्व द लॉर्ड। परमेश्वर की सेवा करें। और दिन के अंत में गॉड बी प्लीज्ड विद योर लाइफ। होने दे परमेश्वर आपके जीवनों से प्रसन्न हो। आमीन। आमीन।